है ना, हम देखना चाहते हैं जरा कितना दिव्या। अरे वो हम समझ रहे हैं, चलो फालतू की बात नहीं करना, तुम पीछे हटो, चलो दूर बैठो, दूर बैठिए, नहीं तो खाना के लिए बच्चा। हां वो मैं समझ रहा हूं, दूर बैठिए, आप दूर बैठिए जरा, चलो उतारिए, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा, जरा आधा हाथ देखना चाहते हैं, उतारिए, उतारो उतारो हाथ उतारिए, अरे इसको खोल लो, चलो भाई तुम दूर बैठो, दूर बैठिए आप दूर बैठिए, मैं देखना चाहता हूँ जरा तुम्हारा हाथ, अरे हाथ से साइकिल हाथ से जल जाना, तो चलो दिखाइए आप, हाथ दिखाइए जरा, नहीं मैं ये देखना चाहता हूँ, तुम चलो बेटा बड़े मंत्र, हाथ दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए, सीधा करिए आप, सीधा हाथ करिए, सीधा हाथ करिए, हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऐसे बटन को बंद करो, दोनों हाथ ऊपर करो, अभी मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, फिर नौटंकी क्यों कर रहा हो तुम, पेट को लिए पट्टा पट्टा चढ़ा के ऐसे घूम रहे हो तुम नौटंकी, अरे पीछे हटो, वहाँ के रहने वाले हो, क्यों यहाँ गंदगी फैला रखी है, रोज चोरियां हो रही है, फालतू की बातें करते हो। नगर के एक चौराहे पर कल हमने एक दंपत्ति को दिव्यांग बनकर भिक्षा वृत्ति करते हुए देखा था। हमने जब उन दोनों को साइड में ले जाकर तलाशी ली तो ये पाया कि वास्तव में वो दिव्यांग नहीं थे, उनका पैर भी स्वस्थ था और हाथ को मोड़कर उसके ऊपर कपड़े से बांधकर कुर्ता पहने हुए था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसका हाथ भी स्वस्थ पाया गया। ऐसा ही शहर के अन्य चौराहों पर भी लोग छद्म वेश में दिव्यांग बनकर भिक्षा वृत्ति करते हुए देखे जा सकते हैं। हमने शहर के सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में आदेशित किया है कि ऐसे संदिग्ध लोगों को तलाशें और जो वास्तव में दिव्यांग बनने का बहाना बनाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए और प्रमुख चौराहों को भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों से मुक्त कराया जाए।